हेलो एवरीवन, आज हम नेक पेन को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या एक्सरसाइजेज हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी नेक पेन होता क्यों है, क्या रीज़न है कि हम लोगों को यहाँ पे सीवियर पेन रहता है इस साइड में, ये चीज़ है। बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, बेंड करते टाइम भी दिक्कत आता है। ये फर्स्ट हम लोगों की फुल डे एक्टिविटीज़ ही ऐसी होती हैं कि जिसमें हम लोगों को गर्दन झुका के काम करना पड़ता है। सपोज अगर मेरे को कोई चीज़ उठानी है तो भी मैं अपनी नेक को बेंड कर रही हूँ और फुल बॉडी को बेंड कर रही हूँ। या फिर फुल डे, आज के टाइम पे टेक्निकल नेक बहुत ज़्यादा है, टेक नेक बहुत ज़्यादा है। फुल डे कंप्यूटर यूज़ करना, मोबाइल यूज़ करना, या आप कोई भी लैपटॉप पे वर्क कर रहे हो, ऑफिशियल वर्क कर रहे हो, तो फुल डे ऐसा ही नेक रहता है। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ की मसल्स जो है टाइट हो जाती हैं, और वो फिर वी को टाइट मसल्स होने की वजह से फिर वो पेन करने लगती हैं। मसल्स का एंड्योरेंस पावर, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो लॉस हो जाता है और मसल्स काफ़ी टाइट हो जाते हैं। उसको रिलीज करने के लिए क्या क्या एक्सरसाइज होंगी, वीक की स्ट्रेंथनिंग करने के लिए और जो टाइट मसल्स है उसको रिलीज करने के लिए, और हम लोग सारी एक्सरसाइजेस की बात करेंगे। फर्स्ट, अगर हम लोग पूरा दिन भी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसमें भी चेयर पे बैठे बैठे भी सारी एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर सकते हैं। नॉर्मली नेक का मूवमेंट करना है, दिस वन दिस वन, आपको 5-5 रिपीटेशंस हर एक का करना है। दिस वन पूरा नेक को एक साइड में लेके जाएंगे, देन सेकंड साइड, फिर से ये चीज। ये एक्टिव मूवमेंट्स करने हैं नेक की, ताकि नेक की मसल्स रिलैक्स हो जाएं। फुल डे अगर वर्किंग भी है तो 20 मिनट के बाद अपनी आप नेक को दिस वन ऐसे टिल्ट कर सकते हैं, आगे पीछे नेक को कर सकते हैं। सेकंड, अभी जो वीक मसल्स हो गए हैं उसको अगर स्ट्रेंथनिंग में लेके आना है तो आइसोमेट्रिक्स करेंगे। उसके लिए दोनों हाथों को आप अपने हेड पे प्लेस करोगे और हेड से फोर्स लगानी है इस हाथ पे, ताकि वो उसको रजिस्ट करे, और इस हाथ से रोकने की कोशिश करनी है। दिस वन 10 सेकेंड का होल्ड, देन रिलैक्स, ऐसे 5 टाइम रिपीटेशंस करना है, देन रिलैक्स। सिमिलरली पीछे हाथ रखेंगे, फिर अब जो हेड की फोर्स है वो पीछे की तरफ लगेगा, रिलैक्स, फिर से रिलैक्स। सिमिलरली इस साइड, इसमें ध्यान रखना है गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ना ऐसे आगे या फिर ऐसे करके आप कर रहे हो, या पीछे की साइड है, बिल्कुल नेक बीच में होना चाहिए, तब आप ये सारी मूवमेंट्स करोगे। इसमें भी नेक बीच में और हाथ से आप रोकने की कोशिश करोगे, रिलैक्स। सिमिलरली रिलैक्स, ये हो गया है नेक का स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। अब जो मसल्स यहाँ के फाइबर्स टाइट हो गए हैं उसको रिलीज करने के लिए, अभी जैसे उल्टी साइड लेके जाओगे तो यहाँ के मसल्स जो हैं वो रिलीज होंगे। इस हाथ से आपको क्या करना है, स्ट्रेच, 10 सेकंड के लिए होल्ड, देन रिलैक्स, फिर से 10 सेकंड होल्ड, रिलैक्स, फिर से ऐसे 5-5 रिपीटेशंस। फिर क्या करना है, गर्दन को नीचे लेके आके इसको आगे की तरफ स्ट्रेच करना है, दिस वन 10 सेकंड का होल्ड, रिलैक्स, फिर से 10 सेकंड होल्ड, रिलैक्स। इसके बाद पीछे देखो, बैठ में क्या एक्सरसाइज करना है, ऐसे बैठ के दोनों हाथ ऐसे प्लेस करोगे और ये जो चीज है इसको दोनों हाथों को पीछे लेके आना है, दिस वन, रिलैक्स, फिर से रिलैक्स। फिर ये एक्सरसाइज करोगे, देन उसके बाद शोल्डर्स का ये चीज, एक बार क्लॉकवाइज में ऐसे आराम से दोनों हाथों को यहाँ पे आगे मिलाना है, दिस वन, फिर एंटी क्लॉकवाइज, एक बार क्लॉकवाइज में करेंगे, एक एंटी क्लॉकवाइज में। अगर रेगुलरली आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो तो इससे जो टाइट मसल्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे, और जो आपकी मसल्स वीक हो रही हैं उनके अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और वो स्ट्रोंग भी होने लगेंगी। बस इतना सा एक्सरसाइज परफॉर्म करना है, 5-10 मिनट का काम है। इसको आप दिन में ऑफिस ऑफिस के टाइम पे भी कर सकते हो। थैंक यू।